हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। इस वीडियो में आई विल स्टार्ट कोडेड इनइक्वालिटीज और साथ ही एक अप्रोच शेयर करूंगी जिससे इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पर आपको सभी फैकल्टी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहाँ उनकी वीडियोज़ अवेलेबल है। सो कोडेड इनइक्वालिटी से पहले आपको आज एक ट्रिक बताऊंगी जिसको यूज़ करके हमारे क्वेश्चंस बहुत इजीली और क्विकली सॉल्व हो जाएंगे। आपको जो भी कंपैरिजन के सिंबल्स हैं ना, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और इक्वल टू, इन सिंबल्स को आपने कुछ इस तरह से लिख लेना है। सबसे पहले आप लिखोगे ग्रेटर दैन और लेस दैन, फिर उसके नीचे ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू और सबसे एंड में आप लिखोगे इज इक्वल टू का साइन। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर यही रहना चाहिए, इसको बस माइंड में रखना है। ये कुछ इस तरह से आपको लिख लेने हैं। ऐसे लिखने के पीछे एक लॉजिक है जो मैं आपको अभी एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जब भी हम एक स्टेटमेंट को देखते हैं, जैसे यहाँ पर है ए ग्रेटर दैन बी ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, और यहाँ पर हमें ए और सी का रिलेशन जो है वो फाइंड करना है। सो अब यहाँ देखो, जो टॉप वाली रो है ग्रेटर दैन और लेस दैन का साइन, ये वाले जो दो साइंस हैं इनकी सबसे हाई प्रायोरिटी है। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में हमें एक सिंबल ये मिल जाता है तो आंसर में वही सिंबल आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए ग्रेटर दैन सी। तो अगर हम ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू को कंबाइन करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो ग्रेटर दैन ही आता है, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होती है। इसी तरह से इस स्टेटमेंट में भी लेस दैन का साइन और लेस दैन इक्वल टू का साइन, हम जानते हैं इन दोनों साइंस में से जो हाई प्रायोरिटी है वो लेस दैन की होगी। तो हमारा जो आंसर है वो ए लेस दैन सी की तरह से आएगा। लेट्स सी अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। जब भी इज इक्वल टू के साथ कोई भी साइन आता है तो आंसर में वही साइन मिलेगा। इसका मतलब जो इज इक्वल टू है वो लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा। जब भी हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है, या तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होंगे ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन, इसमें से कुछ या सारे साइंस होंगे एक स्टेटमेंट में, या फिर हमारे पास ये वाले साइंस होंगे जो कि है लेस दैन इज इक्वल टू और इज इक्वल टू। अब इस स्टेटमेंट में तीनों लेवल के साइंस हैं, हमारे पास लेस दैन का साइन भी है, लेस दैन इज इक्वल टू और इज इक्वल टू का साइन भी है। तो जब भी ऐसा कुछ होगा जो टॉप प्रायोरिटी है वो तभी भी हमारी लेस दैन की ही रहेगी। तो जो ए और डी का हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है वो हमें यही मिलेगा, ए इज लेस दैन डी। अब एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस एक साथ आते हैं, उधर हम रिलेशन डिफाइन नहीं कर सकते। इन सभी एग्जाम्पल्स में ऑपोजिट साइंस की वजह से ए और डी का रिलेशन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये और जो ऑपोजिट साइन दिया है, एक लेस दैन का और एक ग्रेटर दैन का, या लेस दैन इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन होगा तो हम रिलेशनशिप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए, इन्हीं को यूज़ करके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स ट्राई वन डायरेक्ट क्वेश्चन बिफोर मूविंग ऑन टू कोडेड इनइक्वालिटीज। यहाँ पर हमें ए और ई का जो है वो रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर हम स्टेटमेंट के इस पार्ट पे फोकस करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन के साइंस हमें दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिलेशन हम नहीं बता सकते। उसी तरह से हमें सी और एफ का रिलेशन देखना है। यहाँ पर हमें जो कॉम्बिनेशन गिवन है वो है लेस दैन इज इक्वल्स टू और लेस दैन। हम जानते हैं अभी जो हमने प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट समझा, उसके अकॉर्डिंग भी लेस दैन की जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा सी इज लेस दैन एफ। तो हमारा कंक्लूजन नंबर टू सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये था आपका डायरेक्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अब देखते हैं कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं एग्जाम्स में। आपको कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स दिए होंगे जिसमें ग्रेटर दैन लेस दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू, इन सब साइंस को कोड करके कुछ रैंडम सिंबल्स दे दिए हैं। साथ ही इन सिंबल्स को डिफाइन भी किया गया है। सबसे पहले हमें फोकस करना है सिंबल्स की जो डिस्क्रिप्शन गिवन है उस पे।
इसको समझने के लिए हमें सिर्फ ये पांच जो पॉइंट्स हैं इनको समझना है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x एट द रेट y मीन्स x इज ग्रेटर देन y, मतलब x एट द रेट y को x ग्रेटर देन y लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जो एट द रेट है उसका मतलब ग्रेटर देन। तो हम लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन। उसी तरह हैश का मतलब है स्मॉलर देन, हैश का मतलब हो गया लेस देन। उसी तरह से जो परसेंट साइन है इसका मतलब है एक्स इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू। उसी तरह से ये जो स्टार साइन है इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू। उसी तरह से डॉलर साइन का मतलब जो गिवन है डायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि x इज इक्वल टू y, तो यहाँ पर ये जो हमारे साइंस हैं वो कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएंगे। इन डेफिनेशंस को शॉर्ट में हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ये वही ऑर्डर है जो मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रायोरिटी वाला ऑर्डर, जिसमें सबसे टॉप पे हम ग्रेटर देन लेस देन लिखते हैं, उसके नीचे ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, और फिर सबसे नीचे इज इक्वल टू लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी हमें स्पेशल सिंबल्स थे एट द रेट, पर्सन, डॉलर, ये सारे साइंस को जो कॉरेस्पॉन्डिंग उनके ग्रेटर देन इक्वल टू उनके साथ हम लिख लेंगे। बस इस स्टेप के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर वन। अभी सिंबल्स मैंने लिख दिए हैं तो मैं ये डिस्क्रिप्शन यहाँ से हटा देती हूँ। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक वे तो ये है, आप ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको कन्वर्ट करके लिख लो। जो हैश है यहाँ पर, हैश का मतलब है लेस देन, ठीक है। फिर बी के बाद स्टार का साइन है जो कि जिसका मतलब लेस देन इज इक्वल टू है, और फिर सी के बाद भी लेस देन इज इक्वल टू ही आएगा। तो हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं फिर हमें क्या करना होगा, जो कंक्लूजन्स हैं उनको भी कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर डॉलर साइन है तो डी इज इक्वल टू बी आ जाएगा, यहाँ से मैं रेफर कर रही हूँ, और डी और ए का जो रिलेशन गिवन है वो है ग्रेटर देन, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई और ये हमारे कंक्लूजन्स, इसको नॉर्मली जैसे हम सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन मिल गए तो आप चाहो तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इस तरीके से टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। सो हम एक अलग अप्रोच देखते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है ए हैश बी स्टार सी स्टार डी। तो बी और डी का जो रिलेशन है वो होगा बी स्टार डी, क्योंकि हम जानते हैं जब भी दो सेम साइंस हमें गिवन होते हैं तो आंसर में भी वही साइन आता है, बट हमें कंक्लूजन में ये डी की टर्म्स में दिया है, तो हम ट्राई करते हैं इसको रिवर्स करके लिखने के लिए। जब रिवर्स करते थे लेस देन इज इक्वल टू को, तो रिवर्स करके हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखते थे। तो उसी तरह अगर आप इस लाइन में देखेंगे तो स्टार का जो रिवर्स साइन है वो आएगा परसेंटेज, तो डी परसेंट बी हमें मिलेगा। बट जो हमारा कंक्लूजन नंबर वन है उसमें डॉलर साइन गिवन है, तो इसीलिए ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। इसी तरह से अब हम ट्राई करते हैं ए और डी का रिलेशन देखना। ए और डी के रिलेशन के लिए हमें कंबाइन करने हैं हैश और स्टार, ये दो साइंस। जब भी हम हैश और स्टार को कंबाइन करेंगे, मतलब लेस देन और लेस देन इज इक्वल टू को कंबाइन करना, हमें पता है कि लेस देन की प्रायोरिटी लेस देन इज इक्वल टू से ज़्यादा है, तो आंसर लेस देन आएगा। बट एग्ज़ाम में इतना ना सोच के हम डायरेक्टली देख सकते हैं जो हैश है उसकी प्रायोरिटी स्टार से ज़्यादा है, क्योंकि वो उसको हमने ऊपर लिखा था। इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो होगा ए हैश डी डायरेक्टली। बट यहाँ पर भी जो हमें कंक्लूजन है वो डी की टर्म्स में लिखा है, तो जैसे हमने पहले देखा था कि रिवर्स करने के लिए हम इस लाइन को यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हैश को रिवर्स करके हमें जो साइन मिलेगा वो होगा एट द रेट। तो जब हमने इसको रिवर्स किया, डी को पहले लिखा ए को बाद में, तो जो साइन रिवर्स होगा हैश की जगह वो भी एट द रेट का साइन आएगा, तो हमारा कंक्लूजन नंबर टू जो है वो सही हो जाएगा।
सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा ओनली कंक्लूजन टू इज ट्रू। यहाँ पे हमें कुछ ये स्टेटमेंट गिवन है और जो कंक्लूजन्स हैं उसमें हमें एस और पी का जो रिलेशन है वो फाइंड करना है, तो हम उसी पे फोकस करेंगे। यहाँ पे हमें तीन साइंस गिवन है, एक साइन है स्टार, एट द रेट और परसेंट, हमें इन तीनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पर ये साइंस लिख लिए थे इसको यूज़ करके ही हम सॉल्व करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक साइन है ये स्टार वाला, एक साइन है एट द रेट और एक साइन है परसेंटेज। एट द रेट और परसेंटेज जो साइंस हैं ये सेम डायरेक्शन के हैं क्योंकि ये ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू को डिफाइन कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक ही साइड पे लिखे हैं। बट ये जो स्टार साइन है ये दूसरी तरफ लिखा गया है, इसका मतलब है लेस दैन इक्वल टू। जब ये कॉम्बिनेशन हमें मिलता था ऑपोजिट साइंस वाला तो हम बोलते थे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब भी हमें ये वाले साइंस और ये वाले साइंस का कॉम्बिनेशन मिलेगा तो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा क्योंकि जो साइंस है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे। तो पी और एस का रिलेशन तो हम नहीं बता सकते, फिर भी हम कंक्लूजन में देखते हैं कहीं ईदर और की कंडीशन तो नहीं बन रही। उसको कैसे चेक करेंगे? कंक्लूजन्स में हमें एक साइन गिवन है लेस दैन जो हैश वाला है, दूसरा साइन हमें गिवन है एट द रेट, यानी कि एक ग्रेटर दैन और एक लेस दैन का साइन। ईदर और की कंडीशन कभी भी इस तरह से नहीं आती है, वो या तो ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन की, या फिर ग्रेटर दैन और लेस दैन इक्वल्स टू की, या फिर आपको तीनों ही ऑप्शंस कुछ इस तरह से देंगे तो ही ईदर और आ सकता है। देयरफोर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू इज ट्रू। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं। यहाँ पे हमें जो रिलेशन बताना है वो बताना है एम और डी इन दोनों का। सो लेट्स सी, हमें स्टेटमेंट में इस पार्ट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ ये वाले पार्ट पे फोकस करना है। एक डॉलर साइन और एक परसेंटेज साइन, तो हम देख सकते हैं यहाँ से डॉलर साइन का मतलब है इज़ इक्वल टू, परसेंटेज का है ग्रेटर दैन इक्वल्स। हमें पता है कि जो ये लो प्रायोरिटी का साइन है और ये हायर प्रायोरिटी का, तो जो आंसर आएगा हमारा वो हायर प्रायोरिटी का साइन आएगा, डी परसेंट एम। अगर आप दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हो कि जब भी इज इक्वल टू के साथ कोई और साइन आता है तो वही आंसर में हमें मिलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो परसेंटेज है ना ये हमारा ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, तो शायद ये कंक्लूजन्स हमारे ईदर और की वे में हो सकते हैं, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब हम ग्रेटर दैन इक्वल टू को ब्रेक करते हैं तो वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू का साइन देता है। तो लेट्स सी जो कंक्लूजन्स हैं उसमें ऐसा कुछ गिवन है या नहीं। यहाँ पे हमें मिलेगा डी इज़ ग्रेटर दैन एम और डी इज़ इक्वल टू एम, ठीक है। तो देखते हैं कंक्लूजन्स ऐसे हैं या नहीं है। एम डॉलर डी, डॉलर यानी इज़ इक्वल टू का साइन, यानी हमें ये तो गिवन है एक कंक्लूजन। और D ग्रेटर देन M, ग्रेटर देन हमारा था एट द रेट, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी गिवन है। दोनों ही गिवन है तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ईदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल वे से, यानी कि साइंस को ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन लेस देन इनमें कन्वर्ट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप बैंक के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करती है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस इस ट्रिक के थ्रू सिखा रही हूँ ताकि आप जल्दी सॉल्व कर पाएँ वहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकें। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर जो फोर है। यहाँ पर भी दोनों कंक्लूजन में बी और आर का ही रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो हमें इस पार्ट पर फोकस करना है, इस पार्ट पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। जब हम इस पार्ट पे देख रहे हैं तो दोनों जगह ही परसेंट साइन गिवन है, तो हम जानते हैं जब भी दोनों जगह सेम साइन होता है तो हमें आंसर वही मिलता है आर परसेंट बी। परसेंटेज का मतलब है ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू को ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे कंक्लूजन्स में बी के टर्म्स में दिया है तो इसको भी हम B की टर्म्स में पहले कन्वर्ट करके देख लेते हैं। जब B की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू वाले, तो आप कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं कि B इज़ लेस दैन इक्वल्स टू R, और फिर यहाँ से आपको इधर और में B
इज़ लेस देन आर और बी इज़ इक्वल टू आर, कुछ ऐसा मिल जाएगा। बट अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं जो फास्ट वाला है, तो परसेंटेज को जब रिवर्स करना है हमें, तो हमें मिलेगा ये स्टार साइन। तो इसका ऑपोजिट हो गया बी स्टार आर। और फिर यहाँ से हम इसको ब्रेक करके देख सकते हैं, जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक कंक्लूजन हमें ये मिलेगा इधर और के लिए, और एक ये मिलेगा, यानी कि एक हैश वाला और एक डॉलर वाला। तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं, कि बी हैश आर भी है और बी डॉलर आर। ये इंडिविजुअली सही नहीं है ऑप्शंस, बट ईदर कंक्लूजन वन और कंक्लूजन टू इज़ ट्रू, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, एल एम एन ओ टी, इनका रिलेशन कुछ गिवन है, और ये जो साइंस है वो भी यहाँ पर मैंशनड है। कंक्लूजन में आपको टी और एल का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और इसका आंसर जो है वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ एक ट्रिक शेयर की है, जिससे मेरे को पर्सनली एग्ज़ाम्स देने में बहुत हेल्प हुई थी। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए अपने एंड पे, एंड आई होप कि इस ट्रिक को यूज़ करके अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एवरीवन।